हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है इस नए वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। और इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो क्या होता है और उसका जो हम इस्तेमाल है वो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और किस तरीके से ये जो टेबल है इसको बनाया जाता है। तो इस सभी टॉपिक को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इससे पहले जो भी हमने वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करो, उससे जो चैप्टर है वो धीरे धीरे आपका साथ साथ कंप्लीट होता रहेगा। और जो यहाँ पर जो हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, तो यहाँ पे जो मैं टेबल आपको बताने वाला हूँ उसे आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो आप ये जो कभी इससे वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पर इसको करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं, और जैसे कि बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो मैं लाने वाला हूं। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे मिस ना हो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इसको पूरा वॉच करने के बाद में अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या क्या है इस एक्सरसाइज 8.2 के अंदर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो टेबल है वो किस तरीके से बना हुआ है, और ये आपके बुक पेज नंबर 125 पे ये दिया हुआ है, जो लेटेस्ट सिलेबस है मैं उसके हिसाब से ये पेज नंबर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर जो एंगल ए है, यहाँ पे जैसे कि आपने ये देखा सबके साथ में ए है, तो एक्चुअली में ये एंगल है, और ये जो एंगल ए है ये 0 डिग्री हो सकता है, ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो हमें फ़िलहाल इस जो 5 एंगल है इसी को ही मेमोराइज़ करके और इसके क्वेश्चन को, मतलब जो एक्सरसाइज 8.2 है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये दिया हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सेम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और ये साइन के लिए है तो ये साइन के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर है 0 डिग्री, उसके बाद है यहाँ पर 30 डिग्री, फिर उसके बाद है 45, और फिर है 60, और लास्ट है 90 डिग्री। तो जब आप ये एंगल सारा लिख लेते हो तो उसके बाद में जैसे ये 0 डिग्री है तो यहाँ पर हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे जो काउंटिंग करना है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर लास्ट में 4, इस तरीके से। और उसके बाद में जितने भी ये नंबर है इन सभी को 4 से डिवाइड दे देना है। जैसे इसके नीचे भी 4 प्लेस करना है, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, और इसके नीचे भी 4, और इसके नीचे भी 4। तो यहाँ पे अब हमें इसे सभी को, जितना भी हमने ये लिखा है इस सभी के ऊपर हमें रूट लगाना है। तो अगर हम यहाँ पर रूट लगाएंगे इस तरीके से, अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, जैसे 0 को अगर 4 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर 1/4 है तो 1 का जो रूट है ये 1 ही होता है, और जो 4 का रूट है ये होता है 2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको पहले कट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, क्योंकि ये हो सकता है ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम इस 1 का रूट अगर करें तो ये आ जाएगा 1, और अगर 2 का रूट करें तो ये आ जाएगा √2। इसी तरीके से अगर इसमें देखें तो ये कट नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर ये रूट जो 3 है ये रूट लग जाएगा, बट जो 4 है ये रूट से बाहर आ सकता है, तो इसीलिए ये जो 2 है ये बाहर कर लेंगे। और यहाँ पर हम अगर कट करें 4 1 4, और ये 1 का रूट अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 ही आएगा। तो इस तरीके से ये 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, अगर आप इसको चेक करो इन सभी के साथ में जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये सारा का सारा आपको दिख जाएगा कि सबसे पहले 0 है, यहाँ पर भी 0, उसके बाद 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 है, फिर उसके बाद में 1/√2 है तो ये भी 1/√2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में √3/2 है तो ये भी √3/2 है, और यहाँ पे लास्ट वाला 1 है। तो इस तरीके से हमने एक एक नंबर को चेक कर लिया, एकदम करेक्ट है। और इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर अगर याद नहीं रहता तो आपको पहले इस तरीके से बना लेना है और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर अगर ये तो मैंने सिर्फ साइन का बताया है, लेकिन इसके बाद अगर आप कॉस का देखो तो ये एकदम उल्टा है, मतलब इस 1 को आपको आगे रखना है, फिर इस √3/2 को उसके बाद, मतलब जैसे आपने इधर लिखा है इस तरीके से, अब आपको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, फिर इसको आप 1/2, और इसको आप लिखोगे लास्ट में इस तरीके से। और इस तरीके से अगर आप इस कॉस के लिए अगर आप मैच करो
तो आपको एकदम वही नज़र आएगा जैसे कि यहाँ पर 1 है, फिर है उसके बाद में रूट 3/2 जो कि यहाँ पे है, और 1/√2 फिर यहाँ पे है, और 1/2 ये सेम इधर है, और फिर है उसके बाद में 0, फिर ये हो गया 0। और इसी तरीके से अगर हम 10 का बनाए तो 10 का बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो ये नंबर जो हमने लिखा है इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है। तो यहाँ पर अगर हम 0 को ऊपर और 1 को अगर हम नीचे रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर इसी तरीके से अगर 1/2 है और नीचे अगर हम √3/2 अगर हम करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/√3। तो 0 इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक्चुअली 0 और फिर 1/√3। फिर इसी तरीके से अगर इसको ऊपर और इसको नीचे अगर हम रखें तो सेम नंबर होने की वजह से ये कट जाएगा, मतलब 1/√2 और 1/√2 ये पूरा सेम नंबर है मतलब, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 1 है। फिर अगर हम इसको ऊपर रखें और फिर इसको नीचे रखें √3/2 और अपॉन में 1/2, तो इस 2 से 2 ये इसको हम कट कर देंगे और √3/1, तो √3/1 1 सभी के नीचे होता है इसीलिए हम जस्ट √3 लिख लेंगे। फिर है यहाँ पे 1/0, तो अगर हम इस 1/0 को सॉल्व करें तो कभी भी अगर 0 डिनोमिनेटर में होता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर 0 ऊपर है जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0 ऊपर है और 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0, बट अगर 0 कभी भी नीचे अगर आ जाता है तो इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, मतलब मैथमेटिक्स ऐसे नंबर को कभी भी डेफिनेशन नहीं देता, तो इसीलिए यहाँ पर ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और अगर आप इसके साथ में मतलब इस 10 को अगर आप मिलाओ इसके साथ तो ये सारी वैल्यू आपको सेम दिखेंगी, 0, 1/√3 जो कि यहाँ पे है, फिर उसके बाद है 1 वो यहाँ पे है, √3 वो यहाँ पे है, और लास्ट वाला नॉट डिफाइंड जैसे कि हमने सॉल्व किया। तो ये जो टेबल है आपको मतलब ये जो 3 जो रेशोज हैं साइन का, कॉस का और 10 का, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो वैल्यू है हमने ये कैसे लिखी है। उसके बाद में अगर हम इस कॉसेक ए को देखें तो कॉसेक ए जो है बस हमें इस साइन का उल्टा कर देना है, जैसे यहाँ पर 0 है तो इस 0 के नीचे क्या आ जाएगा, इस 0 के नीचे आ जाएगा 1। तो अगर हम 1 को ऊपर और 0 को नीचे लेकर जाएं तो ये इस तरीके का कंडीशन आ जाएगा जो कि है नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। फिर अगर हम इस 1/2 को 2 को ऊपर 1 को अगर नीचे ले आएँ तो यहाँ पर ये 2/1 हो जाएगा, और 2/1 को हम जस्ट 2 लिख सकते हैं और इसीलिए इस टेबल के अंदर सिर्फ 2 लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से अगर 45 पे 1/√2 है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2, क्योंकि ये चले जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, क्योंकि ये इसी का ही उल्टा है जैसा हमने अभी याद किया था कि इसका जो रेशियो होता है ये P/H होता है, तो इसका जो रेशियो है ये हो जाएगा H/P, मतलब हमें बस रिवर्स करना है। तो यहाँ पर √2 और √3/2, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 और सभी नंबरों के नीचे 1 होता है तो 1/1 अगर करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो कॉसेक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसकी वैल्यू लिखी है। फिर यहाँ पर है सेक ए, और सेक ए जो होता है ये कॉस ए का उल्टा होता है, तो अगर हम यहाँ पे 1 प्लेस करें और ये होता है इसका रेशो B/H, तो अगर जो सेक को लिखो तो ये हो जाएगा H/B, तो यहाँ पर 1/1 और इसको अगर हम करेंगे तो 1/1 ही होगा। फिर यहाँ पे अगर इसको उल्टा करें तो 2 ऊपर और √3 नीचे, और वही यहाँ पर दिया हुआ। इसी तरीके से 1/√2 और √2 को ऊपर और 1 को नीचे अगर करेंगे तो यही सेम आएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें इस कॉस को 1/2 है, तो अगर ये 2 ऊपर 1 नीचे आएगा तो ये 2 ही आ जाएगा, मतलब 2/1 तो ये 2 ही होता है। और फिर यहाँ पर है 0, और उसके बाद अगर 0 के नीचे 1 है, 1 को ऊपर 0 को नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर अगर हम कॉट की बात करें, कॉट ए की, तो कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पर जो 10 ए है जैसे, या तो आप इसको रिवर्स करके कर लो, 1/0 है जैसे 0/1 है, तो यहाँ पर अगर हम 1/0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जैसे ये लास्ट वाला जो नंबर है इसको अगर हम आगे लिख लें, फिर ये जो नंबर है ये आ जाएगा, ये 1 इधर और ये 1/√3 और ये 0, मतलब एकदम से इसका उल्टा है, तो ये जो दोनों है ये एक दूसरे का उल्टा हो गया, तो इसीलिए हम इसको इसी तरीके से याद कर लेंगे। तो ये जो टेबल है पूरा आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ये जो टेबल है ये बनाया है,
अब आपका काम है इसको बहुत अच्छे से याद करना कि अगर आपसे कोई भी अगर पूछे कि जैसे साइन 30 डिग्री कितना होता है तो आपको बताना है कि ये 1/2 होता है, टेन 45 कितना होता है तो ये 1 होता है, फिर कॉट 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। मतलब ये सारी वैल्यू आपको इस तरीके से याद रहना चाहिए कि मतलब अगर कोई भी एंगल अगर आपसे पूछ रहा है तो आप एट अ टाइम उसको बता पाओ, ऐसा नहीं कि आप ये पूरा पूरा चार्ट बनाने लग रहे हो अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो, क्योंकि चार्ट बनाने में आपका टाइम कंज्यूम होगा और अगर बोर्ड के पेपर में या जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं तो अगर आप इसमें 5 मिनट 10 मिनट अगर आप अपना खराब करोगे तो उससे अच्छा है उतने देर में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को और देखते हैं कि बारी बारी से इन क्वेश्चन के अंदर हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इस वैल्यू की मदद से। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसे कि एक्सरसाइज 8.2 है और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 और इसके अंदर कह रहे हैं कि इवेल्युएट दी फॉलोइंग और इस तरीके से हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप ये एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखो एक्सरसाइज 8.2 तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं किस तरीके से दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसके अंदर कह रहे हैं कि साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60, जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन लिख लूँ सॉल्यूशन के अंदर, तो ये है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई में कॉस 30 है तो कॉस 30 जो होता है ये होता है √3/2, फिर प्लस साइन 30 ये हो जाएगा 1/2 और कॉस 60 ये भी 1/2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बिना स्क्वायर करे हुए, तो ये आ जाएगा 3/4 और प्लस 1/4। डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो इसीलिए हम ऊपर वाले नंबरों को जोड़ सकते हैं, मतलब 3 + 1/4। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4/4 और इसको कट करें तो ये आ जाएगा 1। तो ये जो 1 है ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इतना ही जस्ट हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करके और उसको इवेलुएट करना है, उसको सॉल्व कर देना है और वही हमारा आंसर आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। अभी चलते हैं और जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 8.2 के अंदर, तो ये है 2 tan² 45° और cos² 30° sin² 60°। तो यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है इसका ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लूँ, 2 tan² 45° और प्लस cos² 30° और फिर है माइनस में sin² 60°। और अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2 tan² 45, तो अगर आपने याद कर लिया है इसको तो 2 और जो tan 45 होता है ये 1 है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यही स्क्वायर हम यहाँ पर लगा लेंगे। फिर उसके बाद है cos 30, तो cos 30 और इसके ऊपर स्क्वायर है, लेकिन लिखने का यही तरीका है कि मतलब अगर जैसे cos² थीटा, मतलब ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, जैसे cos थीटा है तो इसका स्क्वायर हो जा रहा है इस तरीके से, इसी का मतलब हमें इस तरीके से लिखना होता है कि अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हमें ऐसे लिखना चाहिए इसी चीज़ को। तो जो राइट वे है वो यही है ये ना लिख के। तो यहाँ पर अगर cos स्क्वायर 30 है तो इसकी जो वैल्यू है ये है √3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इस तरीके से स्क्वायर लगा लेंगे, और sin² 60, तो इसका मतलब है sin 60 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर। और अब हम यहाँ पर अगर देखें तो ये एक प्लस का नंबर है और ये एक माइनस का नंबर है जो कि बिल्कुल सेम है, तो इसको हम इससे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका सेकेंड पार्ट है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। और अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा cos² 45° और अपॉन में sec² 30° प्लस cosec² 30° और वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 1/√2 और जो sec 30 है इसकी वैल्यू होती है
टू अपॉन रूट थ्री प्लस जो कॉसेक 30 है इसकी वैल्यू होती है 2। तो अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसमें 1 अपॉन रूट टू है ये सेम है, तो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। और यहाँ पे 2 अपॉन रूट थ्री प्लस 2 अपॉन 1 है, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 1 को इधर, रूट थ्री को इधर, और रूट थ्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट थ्री और अपॉन में 1, एक्चुअली रूट थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में रूट टू। और अगर इसमें से अगर इसका हम अगर रेसिप्रोकल करें तो सबसे पहले जो नीचे का जो ये लाइन है इसको हम हटा देते हैं, तो रेसिप्रोकल करें तो ये आ जाएगा रूट थ्री और ये जो नंबर है ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट थ्री। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो रूट थ्री है इसको हमें सेम लिखना है और इस 2 को अगर आप कॉमन लो तो यहाँ पे आ जाएगा रूट टू और मल्टीप्लाई में जो 2 है ये कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट थ्री आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर करना क्या है, जो रूट थ्री है वो सेम लिखना है और अब इस रूट टू को इस 1 से और इस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है, और क्योंकि ये बिना रूट का है तो इसको हम बाहर ही रखेंगे, तो इसीलिए इस 2 को तो हम बाहर रखेंगे लेकिन इस रूट टू को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट टू और प्लस रूट सिक्स, क्योंकि ये रूट वाला नंबर है तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। और कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी आपको रूट नहीं रखना है, इसीलिए मैंने इस रूट को इकट्ठे ही कर दिया है इन दोनों के साथ में, ताकि रूट की जो वैल्यू है एक जगह पे आ जाए और बाद में हम उसको रैशनलाइज करके जो बिना रूट का नंबर है पूरा पूरा वो हम इसको लिख पाए, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पे इक्वल में जो रूट थ्री है इसको हमें रहने देना है और यहाँ पर ये टू बाहर है और इसको अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा रूट सिक्स और प्लस रूट टू, और इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो जो रूट सिक्स है रूट सिक्स और माइनस रूट टू और फिर उसके बाद में अगेन एक रूट सिक्स माइनस में रूट टू हमें लिखना पड़ेगा। और अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा रूट थ्री और ऊपर है रूट सिक्स माइनस रूट टू और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा टू और रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद इक्वल में जो ये नंबर है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18 और माइनस रूट सिक्स अपॉन में 2 और रूट सिक्स का स्क्वायर ये 6 ही हो जाएगा और रूट टू का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो ऊपर जो ये नंबर है इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ये 18 है, 18 को अगर हम बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3, 2, इसका जो फैक्टर है 18 का 3, 3, 2, तो इसमें 2, 3 आएगा तो एक आ जाएगा बाहर और जो 2 है ये रह जाएगा अंदर। रूट सिक्स को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं और जो नीचे ये नंबर है 6 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 4 और 4 2 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये पूरा क्वेश्चन है, मतलब जो थर्ड पार्ट है इसका, ये सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये सेपरेट हो गया और ये पूरा फुली सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो इस फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये है साइन 30, फिर है यहाँ पे प्लस 10 45, उसके बाद है माइनस कॉसेक 60 और अपॉन में सेक 30 कॉस 60 डिग्री और है कॉट 45 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 30 वन बाय टू और फिर प्लस 10 45, ये हो जाएगा 1 माइनस अगर हम कॉसेक 60 करें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 और इसके नीचे यहाँ पर है सेक 30, सेक 30 2 अपॉन रूट 3 होता है और फिर प्लस कॉस 60 तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 और जो कॉट 45 है ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर जो नंबर है वो सेम है, सिर्फ जो ये प्लस और माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है इसके साथ में,
तो सबसे पहले हम इसको एक जैसा बना लेते हैं, जैसे ये 1/2 + 1, तो ये दोनों प्लस का है तो इसको आगे लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं पीछे, ताकि ये एक जैसा बन जाए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 1, 1/2 + 1। तो अगर आप इस फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2, और माइनस में 2/√3। और अगर आप इसके नीचे, जैसे यहाँ पर ये 1/2 और 1 है, इसको प्लस करेंगे तो ये सेम ये आ जाएगा 3/2, और उसके बाद इधर है प्लस, तो इस नंबर को हमें लिखना है इनके पीछे, तो ये हो जाएगा 2/√3। और अब अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर नंबर सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो यहाँ पर इस दोनों नंबर में हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मतलब ये जो 3 है √3 के साथ मल्टीप्लाई, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3√3, और माइनस में 2 × 2 = 4, और नीचे हो जाएगा 2√3, और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 3√3 और प्लस 4/√3। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जो बच गया हम उसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे है 3√3 और माइनस 4, और इसके डिनोमिनेटर में है 3√3 + 4, 3√3 + 4। तो मैंने आपको बताया था कि रूट में कभी भी, जैसे डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट का नंबर है वो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में यही चीज़ हम करेंगे कि इज इक्वल टू 3√3 और माइनस 4, और इधर है 3√3 + 4, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 3√3 और माइनस 4 और 3√3, फिर से माइनस 4। अब अगर हम इस सभी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए 3√3 - 4, और ये भी 3√3 - 4 है, तो एक्चुअली में ये होल स्क्वायर है। तो अगर आप 3√3 का अगर होल स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 27, और अगर इस 4 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 16, और माइनस 2ab करो तो ये आ जाएगा 2 × 4 = 8, और 8 × 3 = 24, 24√3। और इसके नीचे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये a - b और a + b और a - b है, तो ये हो जाएगा a² - b², मतलब 3√3 और इसका स्क्वायर, और माइनस में 4 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इस स्पेस की वजह से मैंने दो फॉर्मूले नहीं लिखे, एक है यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, और एक है a - b a + b, मतलब a² - b². ये दोनों फॉर्मूले आपको साइड में दिखाने पड़ेंगे, ताकि जो ये क्वेश्चन है इसमें जितने मार्क्स का भी ये क्वेश्चन होगा आपको उतने ही मार्क्स मिल पाए। तो मतलब मौका नहीं हो सामने वाले के लिए कि आपका जो वो नंबर है वो काट पाए, इसीलिए आइडेंटिटी जहाँ पर यूज़ हो रहा है आपको ज़रूर लिखना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो 27 प्लस में 16 है तो ये हो जाएगा 43, और माइनस में यहाँ पे है 24√3, और अगर आप इसको सॉल्व करो तो नीचे हो जाएगा 27 और माइनस 16, और इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11। तो 43 - 24√3, दिस इज 24, और नीचे 11, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और अब चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये हमने लिख लिया, अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 5, और जो कॉस स्क्वायर 60 है ये होता है 1/2 और इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद है प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो जो ये sec स्क्वायर 30 है इसकी वैल्यू होती है 2/√3, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है यहाँ पे, और 10 = 45, ये होता है 1 और 1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि जिस तरीके से ये मैं लिख रहा हूँ, जो ये टेबल के अंदर जो ये वैल्यूज़ है वो कितने स्पीड में मैं ये लिख पा रहा हूँ, और ऐसा ही आपको बनना है कि आप बहुत अच्छे से इस टेबल को आप याद कर लो, बजाय इसके कि आप बनाना आप सीख रहे हो। हाँ, कभी अगर इमरजेंसी पड़ गई आपको एकदम से याद नहीं आ रहा है तो आप बना के और फिर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे मैंने याद कर रखा है, इसी तरीके से आपको भी याद रहना चाहिए।
तो यहाँ पे अब जो नीचे इसके डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पर है साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर 30, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर लिया, अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये 5 है और अगर हम इस 1/2 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 1/4, तो यहाँ पे हो गया ये 1/4 और फिर प्लस उसके बाद है 4 और इसके साथ है यहाँ पर 2 और √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/3, फिर उसके बाद है माइनस 1 और नीचे है 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे है √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गया। उसके बाद में 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1/1 और इसके नीचे 1+3, तो ये हो जाएगा 1+3 और डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे इक्वल में। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 4, 3 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो हमें यहाँ पर 12 बनाने के लिए, इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस यहाँ पे इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 64, फिर माइनस अगर हम इसको 12 बनाने के लिए अगर करें तो 12 से नीचे और ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा माइनस 12 और अपॉन में अगर हम नीचे देखें तो ये आ जाएगा 12 टोटल में और सबसे नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा 4/4, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1, तो 1 सभी के नीचे होता है इसीलिए अब से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है। तो इक्वल में यहाँ पे ये आ जाएगा अगर हम इस 64 में से या फिर इस 15 में से अगर इस 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 को अगर 64 में ऐड करें तो ये आ जाएगा 67 और नीचे है 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ और इधर भी। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 5 पार्ट्स है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है और इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं उसको बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ये थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा और उसके बाद में जब आप वो प्रैक्टिस कर लोगे तो जो नेक्स्ट वीडियो है इतने में मैं लेकर आऊँगा जिसको आप वॉच कर सकते हो। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है बहुत अच्छे से, अगर मैं आपको समझा पाया हूँ तो कमेंट और जो लाइक है वो जरूर करना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।